दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट पीसीबी। यहाँ से आप अपने पीसीबी ऑर्डर कर सकते हैं और अगर आप फर्स्ट साइन अप करेंगे तो आपको $5 का कूपन मिलेगा जिसे आप अपने ऑर्डर में यूटिलाइज कर सकते हैं। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप भी OLED डिस्प्ले को टेस्ट करना चाहते हैं और कैसे उस पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट शेप और इमेजेस को कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं ये सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो ये एक OLED डिस्प्ले है, ये I2C बेस्ड OLED डिस्प्ले है। इसका एक SPI वर्जन भी आता है। तो ये 128x32 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले है। इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट है। OLED डिस्प्ले की ये एडवांटेज है कि जैसे LCD में आपको बैक लाइट की ज़रूरत होती है, इसमें आपको बैक लाइट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें जो पिक्सल होते हैं वो खुद ग्लो होते हैं, इससे हमारी पावर ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती। कुछ कुछ मॉड्यूल में आपको एक एक्स्ट्रा रीसेट पिन मिलती है, इस वाले मॉड्यूल में रीसेट पिन नहीं है। इसका यूज़ करके आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसका यूज़ करके आप एक स्मार्ट वॉच बना सकते हैं। इसका यूज़ करके आप अपनी सेंसर की वैल्यू इस पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अब हम OLED डिस्प्ले को Arduino से कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे जम्पर वायर। तो ये मेल टू फीमेल जम्पर वायर है। OLED डिस्प्ले की ग्राउंड को हम Arduino की ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। OLED डिस्प्ले की VCC को हम Arduino की 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। अब हम OLED डिस्प्ले की SCL पिन को Arduino की A5 से कनेक्ट करेंगे। अब हम OLED डिस्प्ले की SDA पिन को Arduino की A4 पिन से कनेक्ट करेंगे। तो आप ये सर्किट डायग्राम देख के भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो सारे कनेक्शन हो गए हैं, तो अब हम अपने Arduino पे USB कनेक्ट कर लेते हैं। दूसरी साइड को हम अपने PC से कनेक्ट करेंगे। तो Arduino को प्रोग्राम करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, Arduino IDE। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। OLED डिस्प्ले के लिए हम Arduino IDE में 2 लाइब्रेरीज ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्केच पे क्लिक करेंगे, इंक्लूड लाइब्रेरी पे जाएंगे और मैनेज लाइब्रेरीज पे जाएंगे। अब हम सर्च बार में लिखेंगे SSD1306। ये हमारा OLED डिस्प्ले का ड्राइवर है। उसके बाद हम Adafruit वाली इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ यही वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। उसके बाद हम फिर से सर्च बार में लिखेंगे Adafruit GFX और उसके बाद Adafruit वाली GFX वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेंगे। अब हमारी दोनों लाइब्रेरी ऐड हो गई है। तो OLED डिस्प्ले को टेस्ट करने के लिए हम जाएंगे फाइल्स पे, उसके बाद एग्जांपल्स पे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, Adafruit SSD1306 पे जाएंगे और अपनी जो डिस्प्ले है OLED वाली, तो मेरी 128x32 वाली है और ये हमारा I2C वर्जन है, तो I2C वाले पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमें अपनी I2C मॉड्यूल का एड्रेस डालना है। तो उसके लिए एक प्रोग्राम है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम अपलोड कर लेते हैं। तो हम टूल्स में जाएंगे, सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पोर्ट सेलेक्ट करेंगे और अब इस प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं राइट साइड वाले एरो पे क्लिक करके। तो प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। तो अब हम सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे, तो ऊपर राइट हैंड साइड में सर्च वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम बॉड रेट को 115200 रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि हमें I2C एड्रेस मिल गया है 0x3C। तो इसको हम अपने Adafruit वाली जो हमारा कोड है उसमें डाल देंगे। अब हम इस कोड को अपलोड कर लेते हैं, राइट साइड वाले एरो पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी OLED डिस्प्ले वर्क कर रही है। तो ये एक सिंपल कोड है जिसकी मदद से आप पिक्सल डिस्प्ले कर सकते हैं OLED डिस्प्ले पे, आप टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, इन्वर्टेड टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब कि जो टेक्स्ट होगा वो ब्लैक कलर का होगा और जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा। आप रेक्टेंगल डिस्प्ले कर सकते हैं, आप फिल रेक्टेंगल डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब कि जो रेक्टेंगल होगा वो इनसाइड उसके वाइट कलर फिल होगा। उसके बाद आप ट्रायंगल डिस्प्ले कर सकते हैं, फिर फिल ट्रायंगल डिस्प्ले कर सकते हैं, आप सर्कल डिस्प्ले कर सकते हैं, फिल सर्कल डिस्प्ले कर सकते हैं और आप इससे लाइन भी डिस्प्ले कर सकते हैं और एक इमेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रोग्राम समझना नहीं है तो आप इस टाइम ड्यूरेशन पे जा सकते हैं वीडियो की।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चार लाइब्रेरीज ऐड करी हैं, उसके बाद यहाँ पे मेरे मॉड्यूल में रीसेट पिन नहीं है तो यहाँ पे मैंने -1 वैल्यू दी है। तो इसके अंदर हम इमेज की बिटमैप वैल्यू देंगे जिस इमेज को हमें ओलेड डिस्प्ले पे डिस्प्ले कराना, उसका नाम हमने लोगो रखा है। उसके बाद वॉइड सेटअप में हमने डिस्प्ले को इनिशियलाइज करा है अपने जो I2C मॉड्यूल है उसके एड्रेस से। अब हम वॉइड लूप में आ जाते हैं और सबको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम OLED डिस्प्ले की वर्किंग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें बैकलाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसमें इंडिविजुअल पिक्सल ग्लो होते हैं, हर इंडिविजुअल पिक्सल की एक कोऑर्डिनेट वैल्यू है। तो जो मैं डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ वो 128x32 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले है, मतलब एक्स एक्सिस में हमारे 128 पिक्सल हैं और वाई एक्सिस में हमारे 32। तो अगर मैं टॉप राइट कॉर्नर वाली पिक्सल की वैल्यू की बात करूँ तो उसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू होगी हमारी 0.0, इसमें एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू हमारी 0 होगी, क्योंकि हमारी x वैल्यू 0 से 127 जाएगी और y एक्सिस वाली वैल्यू हमारी 0 से 31 जाएगी। तो अगर हम बॉटम राइट कॉर्नर वाले पिक्सल की बात करें तो उसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू होगी हमारी 127.31, इसमें x की वैल्यू 127 होगी और y की वैल्यू हमारी 31 होगी। तो अब हम अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पिक्सल ड्रॉ करा है, तो उसके लिए हमने डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले कमांड यूज़ करी है। तो इस कमांड से क्या होता है कि जो हमारे एक्टिव पिक्सल हैं या फिर जो पिक्सल ऑन है वो हमारे पिक्सल ऑफ हो जाएंगे, मतलब हमने टेक्स्ट डिस्प्ले कराए या फिर पिक्सल डिस्प्ले कराए वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हमने डिस्प्ले डॉट ड्रॉ पिक्सल कमांड का यूज़ करा है और उसमें हमने एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी है, फिर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी है और फिर हमने अपने पिक्सल का कलर दिया है। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने 64 रखी है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने 20 रखी है। उसके बाद हमने डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले कमांड से जो हमने चेंजेस करे हैं उसको अकर करा है। उसके बाद हमने 2 सेकंड का डिले दिया है, ये 2 सेकंड तक डिस्प्ले होगा। 2 सेकंड बाद हमने इस पिक्सल को रिमूव कर दिया डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले कमांड का यूज़ करके। तो टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट का साइज सेट करते हैं, तो उसके लिए हम डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट साइज कमांड का यूज़ करते हैं और इसमें हम 1 से लेके 8 तक वैल्यू देते हैं। उसके बाद हम अपने टेक्स्ट का कलर सेट करते हैं, तो जो हम OLED डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं वो मोनोक्रोम है, मतलब कि टेक्स्ट का कलर या तो हम वाइट रख सकते हैं या ब्लैक रख सकते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट का साइज ब्लैक रखेंगे तो जो हमारी डिस्प्ले वो भी ब्लैक है तो जो टेक्स्ट है वो दिखेगा नहीं। तो अब हम डिस्प्ले डॉट सेट कर्सर कमांड का यूज़ करके कर्सर को सेट करेंगे। तो जो आप ब्लिंक होता हुआ देख रहे हैं ये कर्सर होता है, तो जहाँ पे हमें टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है उसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू देंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू देंगे और उसके बाद हम अपनी वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू देंगे। तो अब हम डिस्प्ले डॉट प्रिंट कमांड का यूज़ करके टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट यूज़ करेंगे तो जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं होगा, अगर आप प्रिंट ln यूज़ करेंगे तो जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग वैल्यू देंगे जो टेक्स्ट हमें डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले कमांड से जो चेंजेस करें हमने वो शो कराएंगे। उसके बाद हमने 2 सेकंड का डिले दिया, मतलब ये टेक्स्ट 2 सेकंड तक डिस्प्ले होगा। उसके बाद इसी के साथ हमने एक और टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया है, इन्वर्टेड टेक्स्ट। इसमें क्या होगा, जो बैकग्राउंड है वो हमारा वाइट हो जाएगा और जो टेक्स्ट है वो हमारा ब्लैक हो जाएगा। तो उसको करने के लिए हमने डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट कलर कमांड में सबसे पहले हमने अपनी टेक्स्ट का कलर दिया, उसके बाद हमने अपने बैकग्राउंड का कलर दिया। डिस्प्ले डॉट सेट कर्सर कमांड से हमने कर्सर को सेट करा है और उसके बाद जो टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करना है उसके लिए हमने डिस्प्ले डॉट प्रिंट ln यूज़ करा है। और चेंजेस को शो करने के लिए हमने डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले कमांड का यूज़ करा है, इसको हमने 2 सेकंड तक डिस्प्ले करा है। तो अब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने टेक्स्ट डिस्प्ले कराए थे उन दोनों टेक्स्ट को रिमूव करेंगे, तो उसके लिए डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले कमांड यूज़ करेंगे। उसके बाद रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए हम डिस्प्ले डॉट ड्रॉ RECT करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर की रेक्टेंगल की वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले हम एक्स वैल्यू देंगे और उसके बाद वाई वैल्यू देंगे। उसके बाद हम अपने रेक्टेंगल की विड्थ की वैल्यू देंगे पिक्सल्स में और अपनी रेक्टेंगल की हाइट की वैल्यू देंगे पिक्सल्स में। अब हम डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले कमांड से जो चेंजेस करें उसे शो करेंगे। उसके बाद हम 2 सेकंड का डिले देंगे, 2 सेकंड बाद हम एक और रेक्टेंगल डिस्प्ले करेंगे, फिल रेक्टेंगल। तो उसके लिए हम लिखेंगे डिस्प्ले डॉट फिल RECT, ब्रैकेट में सबसे पहले हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर की वैल्यू देंगे, उसके बाद हम विड्थ की वैल्यू देंगे पिक्सल्स में और हाइट की वैल्यू देंगे और इसका कलर देंगे। उसके बाद डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले कमांड से जो चेंजेस कर रहे हैं वो शो कराएंगे और इसको हम 2 सेकंड तक डिस्प्ले करेंगे। तो अब हम ट्रायंगल डिस्प्ले कराएंगे, तो जो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल डिस्प्ले करे हैं उसको रिमूव करेंगे, तो उसके लिए डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले कमांड यूज करेंगे। उसके बाद ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए डिस्प्ले डॉट ड्रॉ ट्रायंगल करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम अपनी टॉप वर्टेक्स की
कोऑर्डिनेट वैल्यू देंगे, उसके बाद हम लेफ्ट वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट वैल्यू देंगे और उसके बाद हम राइट वर्टेक्स की वैल्यू देंगे। अब हम डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले कमांड से जो चेंजेस करें उसे शो करेंगे। इसी के साथ हम एक और ट्रायंगल डिस्प्ले करेंगे, फिल ट्रायंगल। उसके लिए हम डिस्प्ले डॉट फिल ट्रायंगल यूज करेंगे और ब्रैकेट के अंदर सेम हम वैल्यू देंगे, टॉप वर्टेक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू, उसके बाद लेफ्ट वर्टेक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू और उसके बाद राइट वर्टेक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू। सेम डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले कमांड से चेंजेस शो करेंगे और 2 सेकंड का डिले देंगे। अब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले क्लियर कर दिया डिस्प्ले को, उसके बाद सर्कल को ड्रॉ करने के लिए डिस्प्ले डॉट ड्रॉ सर्कल कमांड का यूज करें। सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट की कोऑर्डिनेट वैल्यू देंगे और उसके बाद हम उसका रेडियस देंगे पिक्सल्स में और उसका कलर देंगे। डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले कमांड देंगे और उसके बाद 2 सेकंड तक का डिले देंगे। इसी के साथ हम फिर सर्कल डिस्प्ले करेंगे, सेम इसमें भी कोऑर्डिनेट वैल्यू दी है सेंटर की और फिर हमने रेडियस दिया है, इसका कलर दिया है, फिर डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले कमांड दिया है, फिर डिले दिया है 2 सेकंड का। तो अब हमने लाइन को ड्रॉ करा है, तो सबसे पहले क्लियर करा डिस्प्ले को, उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ करने के लिए डिस्प्ले डॉट ड्रॉ लाइन करा है और सबसे पहले हमने स्टार्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट वैल्यू और फिर लाइन की एंड पॉइंट वैल्यू दी है, फिर डॉट डिस्प्ले कमांड से उसे शो करा है और फिर उसके बाद हमने 2 सेकंड का डिले दिया। तो अब हम बिटमैप इमेज को डिस्प्ले कराने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी जो बिटमैप वैल्यूज है उसको कैसे इम्पोर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। जो इमेज आपको डिस्प्ले करानी है OLED डिस्प्ले पे, उस पर राइट क्लिक करिए और उसे पेंट में ओपन करिए। अब पेंट में रीसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और पिक्सल सेलेक्ट करिए। अब जो मेन एस्पेक्ट रेशियो है उसे अनचेक करना है, उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है उसे हमें 128 देना है और जो वर्टिकल वैल्यू है उसे 32 देना है। अब ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद इस इमेज को सेव कर देना है। उसके बाद एक वेबसाइट पे जाना है remove.bg। अब ये क्या करेगी, ये इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगी। तो अपलोड पे क्लिक करना है और अपनी इमेज को सेलेक्ट करना है, तो ये अपने आप जो बैकग्राउंड है इमेज का उसे रिमूव कर देगी। तो अब बिटमैप वैल्यू अचीव करने के लिए आपको इस गेटअप लिंक पे आना पड़ेगा, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको चूज इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद अपनी इमेज को सेलेक्ट करना है जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करा था। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप व्हाइट रखना चाहते हैं, ब्लैक रखना चाहते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। तो बिटमैप वैल्यू जनरेट करने के लिए आपको जनरेट कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको ये बिटमैप वैल्यू मिल गई है, तो अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया है, तो अब हम इसे कोड में पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपने इसे कोड में पेस्ट करना है। OLED डिस्प्ले पे बिटमैप इमेज शो करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है डिस्प्ले डॉट ड्रॉ बिटमैप। इसके अंदर सबसे पहले हम अपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर की इमेज की कोऑर्डिनेट वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पे हम 0.0 दे रहे हैं। उसके बाद हम अपने बिटमैप जो वैल्यू है उसका नाम लोगो है, तो हमने लोगो यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे रेजोल्यूशन की वैल्यू देते हैं 128x32। उसके बाद हम अपना जो इमेज है उसका कलर देते हैं। तो अब हम डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले कमांड से जो चेंजेस करें उसे शो करेंगे और 2 सेकंड तक हम इस इमेज को शो करेंगे और उसके बाद ये लूप रिपीट होता रहेगा। मतलब कि अब फिर हमारा पिक्सल शो होगा, फिर हमारा टेक्स्ट शो होगा और उसके बाद हमारा रेक्टेंगल शो होगा, ऐसे ये रिपीट होता रहेगा। तो अब हम इस कोड को अपलोड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम अपनी पोर्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और अपने कोड को अपलोड कर लेते हैं। अब कोड अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते कि जो OLED डिस्प्ले उस पर हमारी जो पिक्सल है, टेक्स्ट है, इमेजेस हैं वो सब शो हो रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।